Hello dear all, in this video we are going to see about the primary and secondary metabolites, right? Yes. So primary and secondary metabolites, right? Yes. तो ये पार्ट सीखने से पहले बेसिकली हमें मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, राइट? मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? मेटाबोलाइट्स अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम लिखेंगे मेटाबोलाइट्स आर द इंटरमीडिएट products formed during metabolism. metabolism जब हो रहा है, right? किसी भी living system में, उसमें जब intermediate जो products बनते हैं उन्हें हम बोलेंगे metabolites, राइट? अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है तो हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म, राइट? ये क्या चीज है, राइट? यस. अब फॉर एग्जांपल हम जब खाना खाते हैं तो हम खाते हैं फॉर एग्जांपल चपाती या फिर राइस खाते हैं. इसका जो मेन केमिकल कंटेंट है वो क्या है? वो है स्टार्च, राइट? ये स्टार्च या फिर ये चपाती या राइस जब हम खाएंगे हमारे माउथ में जाएगा, बकल कैविटी में जाएगा, तो यहां पे उसका मैकेनिकल डाइजेशन होगा और साथ ही साथ यहां पे एंजाइमेटिक डाइजेशन भी शुरू हो जाएगा. एंजाइम होता है अल्फा amylase, राइट? अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये कहा जाएगा हमारे स्टमक में, और स्टमक में जाने के बाद ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाएगा कहां पे? इंटेस्टाइन के अंदर, राइट? इंटेस्टाइन के अंदर. और वो फॉर्म कौन सा है स्टार्च का? वो है हमारे ग्लूकोज. अब ये जब ग्लूकोज जो है, ये जो ग्लूकोज जो है ये कहां पे आ जाएगा? हमारे सर्कुलेशन में, इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेशन में आएगा. और ये जाएगा कहां पे? हमारे सेल में. और सेल में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है. वहां पे इस ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. अब ये ग्लूकोज जो है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम, राइट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये सिक्स कार्बन का जो कंपाउंड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दो तीन कार्बन के कंपाउंड में, दैट इज द पाइरुविक एसिड, राइट? पाइरुविक एसिड. और फिर आगे और इसका जो है वो मेटाबॉलिज्म होगा, राइट? और अंत में जो है हमें क्या मिलने वाली है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट? अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें हमने क्या किया? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, राइट? और हमने क्या बनाई है? उससे एनर्जी बनाई है, बराबर है? दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द मेटाबोलिक रिएक्शन. एक तो आप किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हो या फिर किसी भी सब्सटेंस को बना रहे हो, यानी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कर रहे हो या फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या फिर दोनों एक साथ कर रहे हो, राइट? ये सारा का सारा जो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे मेटाबॉलिज्म में, राइट? और इसके बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते जैसे ये पाइरुविक एसिड बना यहां पे, राइट? यस. उसके बाद में जो हमारा स्टार्च था उससे क्या बना? ग्लूकोज बना. ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं, राइट, इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे मेटाबोलाइट्स, राइट? ये है मेटाबोलाइट्स. तो एक एग्जांपल लिया हमने, समझ लिया.
तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, हमारे जो चैप्टर है इस बायोमोलिक्यूल में हमें समझ लेना, राइट? यस। तो देखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है इनका जो फंक्शन है इज नोन टू अस, ये क्यों प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है ये पता होता है, राइट? स्पेसिफिक फंक्शन होता है इसे, फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स, इनका स्पेसिफिक फंक्शन है। क्या फंक्शन है, इनसे क्या बनता है, कहीं से बनते हैं प्रोटीन्स, तो दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन, राइट? तो ये हो गए हमारे कौन से मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, राइट, जिनका हमें फंक्शन पता है। और अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं, राइट, अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट फंगाई या फिर बैक्टीरिया का, तो हमें ये जब मेटाबॉलिज्म करेंगे, प्लांट्स बोलिए या फिर फंगाई बोलिए या फिर बैक्टीरिया बोलेंगे बोलिए, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड मिलते हैं जिनका फंक्शन हमें वेल नोन नहीं है, या फिर ये प्लांट्स फंगाई या फिर बैक्टीरिया क्यों वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्यों वो सब्सटेंसेस, क्यों वो मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, इसका रोल स्पेसिफिकली पता नहीं होता है, ऐसे मेटाबोलाइट्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, राइट? यस। अगर लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द परफेक्ट रोल ऑफ सर्टन मेटाबोलाइट्स एंड कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ऐसे मेटाबोलाइट जिनका रोल, जिनका फंक्शन हमें प्रॉपरली पता नहीं है वो उस ऑर्गेनिज्म में क्यों है, राइट? तो यहां पे एक पॉइंट हमें नोट डाउन करना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो एनिमल्स डू नॉट प्रोड्यूस, एनिमल्स जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनाते, कौन बनाते हैं, प्लांट्स फंगाई या फिर बैक्टीरिया। हाँ, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमें इन तीनों के साथ, प्लांट फंगाई बैक्टीरिया के साथ कहां मिल जाएंगे, एनिमल्स में मिल जाएंगे, राइट? यस। तो इसी से रिलेटेड जो है चार्ट दिया है हमारे एनसीईआरटी में, राइट? यस। हियर यू कैन सी दैट चार्ट, यू कैन ऑब्जर्व दैट चार्ट, यहां पे 9.3 में कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है दिए गए हैं, राइट? यहां पे आप देख सकते हो, हियर आर सर्टन पिगमेंट्स, राइट? पिगमेंट्स, तो अगर बात की जाए कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनाइन एक्सेट्रा, इनका एग्जैक्टली रोल जो है वो पता नहीं है, वो प्लांट्स इन्हें क्यों बनाते हैं, राइट? उसके बाद अल्केलॉइड्स है कुछ, जैसे मॉर्फिन, कोडीन एक्सेट्रा। अब ये मॉर्फिन जो है ये ड्रग करके हम लेते हैं, राइट? पेन रिलीफ के लिए, पेन मैनेजमेंट में मॉर्फिन लिया जाता है, बराबर है? पर ये ड्रग जो है ये प्लांट्स में, ये मेटाबोलाइट जो है ये प्लांट्स में क्यों बनता है, इसका रीजन अभी तक रिवील नहीं हुआ है। साथ ही साथ टर्पिनॉइड्स है, मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स, देन इसेंशियल ऑयल है जैसे लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स है एब्रिन एंड रिसिन, लेक्टिन्स है, ये बहुत बार नीड का इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेक्टिन्स, राइट, आके गया है, कॉनकानवेलिन ए, देन ड्रग्स है कुछ जैसे विनब्लास्टिन और क्यूरक्यूमिन, और साथ ही साथ कुछ पॉलीमरिक सब्सटेंसेस है जैसे रबर,
gums and cellulose. अब रबर भी, ये जो लैटेक्स है ये प्लांट क्यों बनाता है, इसका स्पेसिफिक रोल प्लांट में क्या है ये अभी तक डिफाइंड नहीं है, राइट right? पर ये हमारे यूज में है, राइट right? तो यहां पे हमें पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट लिखेंगे, राइट right? या फिर जब भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे क्वेश्चन आएगा, तो यहां पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है, यहां पे तो ये मेन है कि हमें इनका रोल जो है वो नहीं पता होता प्रॉपरली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, पर ये जो मेटाबोलाइट्स होते सेकेंडरी मेटाबोलाइट, दीज आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, ये क्या होते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर इनकी क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है, राइट right? और साथ ही साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट से इनकी इकोलॉजिकल वैल्यू भी होती है, इकोलॉजिकल वैल्यू भी होती है, ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट right? सो इस प्रकार से वी आर ओवर विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स.